Hi everyone, this is RJ Simran 92.7 Big FM से ZX Skoda मैं पहुंची हुई हूँ. I'm really excited क्योंकि आज Skoda Slavia का लॉन्च है और आज ये अमेजिंग गाड़ी जो है इस पर से पर्दा उठने वाला है और हम देखने वाले हैं what is underneath this और इसके क्या अमेजिंग फीचर्स हैं इस टाइमलेस ब्यूटी में. हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है आज ये सब पता चलेगा एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस. सो प्लीज गेट रेडी विद मी बिकॉज बहुत कुछ एक्साइटिंग है दैट वी आर कमिंग अप विद. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. इस वक्त हम बैठे हुए हैं अतिशय जैन डायरेक्टर ZX Skoda पतपरगंज के साथ. सर के साथ आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम अबाउट Skoda Slavia. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्जेशन. मैं जानना चाहती हूँ कि क्या क्या नए फीचर्स हैं गाड़ी के और इस डीलरशिप के बारे में हम और भी ज्यादा जानना चाहते हैं बिकॉज काफी नया डीलरशिप है लेकिन इनको रिस्पॉन्स आई एम श्योर बहुत अमेजिंग आ रहा है. वेलकम टू 92.7 Big FM. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. Skoda का सेडान सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज है. सुपर्ब इनकी बेस्ट सेलर है. इनकी Skoda Octavia आती है विच इज़ अ परफॉर्मेंस कार विच इज़ अगेन अ बेस्ट सेलर इन द सेगमेंट. नाउ मासेस के लिए इन्होंने Skoda Slavia निकाली है जो बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है. रोड प्रेजेंस लोग ज़रूर पलट के देखेंगे इसको. ये नई गाड़ी कौन सी आई है. ऑसम टेक्नोलॉजी. आप इसकी पावर की बात करें, आप इसकी ड्राइव की बात करें, आप इसके कंफर्ट की बात करें, रियर सीट कंफर्ट, ड्राइविंग कंफर्ट, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट बनाया है इन्होंने. और जैसा कि मैं देख सकता हूँ कस्टमर्स भी काफी एक्साइटेड हैं इसको देखने के लिए. क्या बात है. आई कांट वेट टू गो एंड सिट इन द कार द वे ही इज टेलिंग मी अबाउट ऑल दिस. बट उससे पहले जरा डीलरशिप की बात करते हैं. ZX Skoda जो है सितंबर में यहाँ पर शुरुआत हुई इसकी, तो तब से लेकर अब तक आपको किस तरह का अतिशय रिस्पॉन्स मिला है? हाउ इज द होल ऑन फीलिंग एंड एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? काफी नई डीलरशिप है हमारी. 4-5 महीनों में भी हमने काफी बेहतरीन रिस्पांस देखा है Skoda के प्रोडक्ट्स का. मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत ही सही समय पे Skoda के साथ हाथ मिलाया है. इतने 6 महीने में ही मैं बात करूं, हमने Skoda Octavia लॉन्च देख लिया, Skoda Kushaq का लॉन्च देख लिया, Skoda Kodiaq का लॉन्च जो एक हाई लग्जरी SUV है, और अब यहाँ पे एक ब्यूटी क्वीन Skoda Slavia भी हमारे शोरूम पे आ चुकी है. आज की डेट में हमारे ब्रांड और हमारे शोरूम में जो नयापन है, पोर्टफोलियो जितना नया है शायद ही किसी और कार मेकर के पास है. क्या बात है. ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही. लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस कार की तारीफ करने के लिए, इस कार की तारीफ में बातें करने के लिए यहाँ पर एक शख्स नहीं है क्योंकि everyone is talking so good about this car. तो मेरे पास और भी guests हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपसे इस बारे में और बात करने के लिए. Skoda India and I'm really looking forward to talk to him. Hello and welcome to the show. Fantastic. Thank you very much for your welcome. Slavia is undoubtedly gorgeous. It's beautiful. I've seen it. I've sat in it. But how is it different from the others in the market? If you can just explain it to our audience. I think what we're doing is we're bringing something new to the sedan market. The sedan market has been falling in India for some time because there's been a big focus towards SUVs. And often this is not actually because people don't want a sedan anymore. This is actually because there have been lots of new products and new launches in the SUV segment continuously. But sedans are always better looking cars than SUVs from a style perspective. And what we've got here in the Slavia is a gorgeous car.
It's gorgeous, as you said. The lines are beautiful. The car is big. The car is actually bigger than the first generation Octavia that was launched here 20 years ago. So we've got a big car, we've got a gorgeous car, and we've got a great range of engines and gearboxes, perfect for Indian customers and perfect for those fashion conscious people like listeners, me. You know, and yourself, of course. Right. So what is your ambition for Delhi NCR, if I ask you, from Slavia? Delhi NCR has always been a sedan market, definitely, yes. Without a doubt. And our ambition is to sell 500 cars a month. That's our ambition, so that's the number. And we're very confident, talking to the dealers and talking to the customers today and yesterday, that this is achievable. So we've got big ambitions for Delhi NCR. Wonderful. Very excited about the car. Wonderful. Kudos. And where do you see Skoda positioned in India in the next 3 years? Our objective in the next 3 years is to sell 1 lakh of cars. We've been quite clear that that's our target, to get to 1 lakh in India. That really established ourselves as a premium volume brand in India. That's what we've been working on and as a whole team. And with cars like the Kushaq, cars like Slavia now, with Octavia, Superb, and of course the new Kodiaq, which is already sold out in India for the whole of this year, we've got every chance, and we're really ambitious, and our aim is very clear to sell 1 lakh cars in India. अब हमारे साथ है मिस्टर अजय रघुवंशी, नेशनल सेल्स हेड स्कोडा इंडिया. दिस इज 92.7 बिग एफएम. वेलकम बैक वंस अगेन. एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनसे स्लाविया के बारे में और भी जानने के लिए. सर, वेलकम टू 92.7 बिग एफएम. थैंक यू सिमरन, वेरी एक्साइटेड. मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ टॉकिंग टू योर लिसनर्स. मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ एज अ सेल्स वॉल्यूम प्लेयर इन 2022? कहां पर देखते हैं आप खुद को? पर्सनली स्पीकिंग, यू सी लास्ट 3 इयर्स स्कोडा इज रियली गेम चेंजर्स फॉर अस. यस, 2020 से लेकर 2021 में हमने वॉल्यूम डबल किया, राइट? अब 21 और 22 की हम बात कर रहे हैं, 22 में एंटर कर चुके हैं, सेकंड मंथ ऑफ 22 इज गोइंग ऑन. वी आर लुकिंग एट ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स वॉल्यूम ग्रोथ. सो वी वुड बी इन अ ब्रैकेट ऑफ समवेयर टॉप 10 स्ट्रांग ओई वॉल्यूम प्लेयर्स इन इंडिया. दैट्स द वन मैसेज. सो That's fantastic. 28 तारीख को हम लोग इस गाड़ी का अनावरण करेंगे, शुभ हिंदी मतलब इस गाड़ी को लॉन्च करेंगे. 28 का 11 बजे के बाद इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव, प्राइसिंग और डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगा. और पूरे हिंदुस्तान बहुत एक्साइटेड है, मतलब आई कांट टेल यू द वे रिस्पॉन्सेज वी आर गेटिंग इट फ्रॉम आवर कस्टमर एग्जिस्टिंग. आई एम ओवरवेल्म्ड. Wonderful. We are overwhelmed too. Yeah. So, आपका target plan क्या है NCR के लिए for Slavia? और recently Kushaq जो है वो भी launch हुई. Kushaq हमने launch कर दी India में. India 2.0 का हमारा पहला product Kushaq है. सुनिए, fantastic, phenomenal success. In the month of December हमारा segment share as high as 11.5%, which is fantastic. And आपको just for mindful, we are only in the petrol segment. We don't have diesel. And 1 liter success, 1.5 liter engine success. सेम हमारे इंजन हमारे स्लाविया 1 लीटर 1.5 लीटर डीजल सर्टिफाइड इंजन इंजेक्शन. सो प्लान दिल्ली एनसीआर की स्पेसिफिक में बात करूँ तो डेफिनेटली हमारा पर्सनल टारगेट जो है हमारे दिल्ली एनसीआर, हम चाहते हैं तकरीबन 500-550 स्लाविया हम बहुत जल्दी देंगे. बिकॉज काइंड ऑफ बुकिंग्स आई हैव मोर देन 2000 ऑलरेडी ऑन 3.5-4 मंथ्स बुकिंग. सो 500-550 गाड़ी आई एम श्योर फर्स्ट लॉट में स्टार्ट करेंगे जरा. और कुशाक इज ऑलरेडी doing fantastic rounds. I mean, very soon we'll be touching 1,000 deliveries in Delhi NCR. So, 1,000 SUV or 500 this beautiful Slavia sedan. क्या बात है, दिल्ली वालों काफी अच्छा response दे रहे हैं आप. I'm so proud of you guys. So, with this, on this note, a message for our audiences. स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, स्माइल देते रहिए. दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, एनसीआर बड़ा शहर है, लेकिन रोड सेफ्टी का ध्यान रखिए. मैं पर्सनली, अब मेरा कोई, मैं स्कोडा की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं पर्सनली एक सिटीजन के नाते बोल रहा हूँ. अपना ध्यान रखिए, और स्पेशली जो हमारे पेडेस्ट्रियंस हैं, साइक्लिस्ट हैं, उनका बहुत ध्यान रखिए. यू हैव टू बी वेरी सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. वंडरफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज सर. थैंक यू सो मच, इट वॉज ग्रेट टू हैव.